हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारा यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एल्बो पेन रिलीफ के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्बो पेन को ठीक करने का सिक्वेंस वाइज पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी एल्बो पेन से बचा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले, अगर आपको एल्बो पेन होता है, फिर चाहे हो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, कौन से भी साइड पे हो, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस में हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस कब करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, और इस पेन को ठीक करने के लिए हमें कौन से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस, एल्बो पेन जब हमें होता है, एल्बो पेन हमें होता है एल्बो जॉइंट में, बहुत कॉमन चीज़ होती है। बट ये जो एल्बो पेन का जो केस होता है, उसमें पेन तो आपको यहाँ होता है, बट ये पेन होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका रिस्ट जॉइंट। आपके रिस्ट जॉइंट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या मूवमेंट बहुत रिपीटेडली होती है। तो इसके बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से, या अगर आपने अपने रिस्ट जॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में यूज़ कर लिया, फ्लेक्शन में यूज़ कर लिया, तो उसके और इसकी वजह से आपको एल्बो पेन शुरू हो जाता है। अब एल्बो पेन हमें दो कंडीशन में होता है, एक होता है बाहर की तरफ, जिन लोगों को एल्बो पेन बाहर की तरफ होता है, यहाँ पे हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होता है, सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। एल्बो पेन में आप कोई भी चीज़ अगर पकड़ने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल पकड़ नहीं पाते, खाना खाते टाइम भी दुखता है, या कुछ भी चीज़ उठाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये पेन हमें दो जगह पर होता है, एक होता है बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो, जिसको और एक नाम होता है वो होता है लैटरल एपिकोंडिलाइटिस, और जो एल्बो पेन दूसरा होता है अंदर की तरफ मीडियल साइड में, अब इसको बोलते हैं गोल्फर एल्बो, इसको हम बोलते हैं मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो पेन बाहर की तरफ हो रहा है वो है टेनिस एल्बो, जो अंदर की तरफ हो रहा है गोल्फर एल्बो। अब ये दोनों पेन को ठीक करने के लिए मैं पूरा ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते, अगर आपको एल्बो पेन शुरू हो गया, अब जो लोग बहुत ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम करते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट का मूवमेंट, उनके ऐसे ऑक्यूपेशंस होता है जिसमें रिस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में रिस्ट मूवमेंट का जो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन जो मूवमेंट होती है, इसके और इसकी वजह से आपको यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, इसका सिक्वेंस वाइज ट्रीटमेंट का पार्ट देख लेते हैं। तो जब भी हमें एल्बो पेन शुरू हो जाता है, बाहर हो अंदर हो कहीं भी हो, तो जिस दिन आपको पेन शुरू हो जाता है, आपको लगता है यार मेरे एल्बो में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, मैं कुछ भी उठाने की कोशिश करो तो दुखने लगा है, आई एम नॉट एबल टू ग्रिप एनीथिंग, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले 3 से 4 दिन के लिए आपको आपके रिस्ट का सारे जो मूवमेंट होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, बंद कर देना है, एकदम रिस्ट को नॉर्मल रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठानी जिसकी वजह से आपके एल्बो पे प्रेशर आ सकता है, आपके रिस्ट पे प्रेशर आ सकता है। दूसरी चीज़, आपके एल्बो को या आपके रिस्ट को, दोनों जॉइंट को बिल्कुल जर्क या झटके देने वाला कोई काम नहीं करना। तीसरी चीज़, अभी हो गया प्रिकॉशन कि इस चीज़ को हम कैसे रोकें। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो जिस दिन आपको यहाँ पे पेन शुरू हो जाते हैं ना, उस दिन से लेके या उस टाइम से लेके अगले 48 आवर्स तक, मतलब 2 या 3 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम आपको यहाँ पे कंपलसरी आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होगा, वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगा, और जो पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको कम करने में आइसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिकॉशंस के लिए रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल एकदम जॉइंट को हमने सेफ करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रीटमेंट आइसिंग यहाँ पे करनी, यहाँ अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पे आइसिंग करो, यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे आइसिंग करो, या दोनों जगह हो रहा है तो पूरे एल्बो जॉइंट को आइसिंग करना है 2 से 3 दिन के लिए। अब आइसिंग से क्या होगा, जैसे मैंने बोला, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कम हो जाएगी, पेन का इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 2 या 3 दिन के बाद अब आपको जो एक्सरसाइज आपको करना है, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट हमें जो करना होता है वो होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि जितना हम रिस्ट का मूवमेंट करते जाते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ के जो फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स होते हैं, ये टाइट बन जाते हैं, टाइट बनते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे पेन होने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्ट्रेचिंग से उनका जो टाइटनेस है वो कम करने की हमें कोशिश करनी होती है। अब ये स्ट्रेचिंग, मैंने क्या बोला, पेन शुरू होने के 3 दिन तक आपको आइसिंग करना है, 3rd-4th दिन के बाद आपको स्ट्रेचिंग शुरू कर देनी। इमीडिएट अगर आप स्ट्रेचिंग करने जाओगे, एक्सरसाइज करने जाओगे डे 1 पे ही, तो आपको पेन बढ़ सकता है या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए पेन होने लगा ना, सबसे पहले जॉइंट को सेफ करो, रिस्ट्रिक्शन में ला दो, उनका मूवमेंट बिल्कुल मत करो, आइसिंग करो 3 दिन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से स्ट्रेच हमें करने हैं और वो किस तरीके से हमें करने हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेच हमें करना है एल्बो पेन के केस में, हाथ को ऐसे रखिए,
एक्सटेंशन पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे हाथ को ऐसे सीधा रखना है, एल्बो को बिल्कुल सीधा रखना है। अब दूसरे हाथ से ये जो फिंगर्स होते हैं इनको ना ऐसे पीछे की तरफ दबाना है। अगर आप इनको पीछे दबाते हो तो जैसे दबाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रेच आपको ये करना है 3 दिन के बाद, आइसिंग 3 दिन, फिर उसके बाद ये फर्स्ट स्ट्रेच। तो इसको आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, फिर रिलैक्स, फिर होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, फिर रिलैक्स, फिर होल्ड करना है। तो ऐसे आपको इसको 10 से 12 काउंट इसके फॉलो करने। अब ये स्ट्रेच होने के बाद अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसके जो दबाने का जो लिमिट होता है ना, इसको हल्के से दबाओ, ज़्यादा दबाओ मत, बट आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इसको जितना पॉसिबल उतना दबाओ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। ये था फर्स्ट स्ट्रेच। दूसरा हम करेंगे, अब हाथ को उल्टा ऐसे ऐसे रखेंगे। अब हाथ को सेम अगेन आपको फिंगर्स को क्या करना है, अंदर की तरफ पीछे की तरफ ऐसे दबाना है। हाथ को ऐसे रखेंगे सीधा साइड से, अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, एल्बो सीधा रखना है और धीरे से हाथ को ऐसे दबाना है। जैसे आप दबाते हो ना आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रेच। ये करने से आपके जो भी फोरआर्म के मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो होता है, उन मसल का स्ट्रेच होने से काफ़ी हद तक आपके पेन कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये वाला, फिर ये वाला, अगेन इसको दबाना है, 2-3 सेकेंड होल्ड करना है, छोड़ देना है। तो ऐसे आपके 10 से 12 काउंट करने। ये थे 2 स्ट्रेच जो हमने देखे। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड स्ट्रेच, तीसरा स्ट्रेच। उसमें आपको क्या करना है, अभी हाथ को नीचे ऐसे दबाना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ऐसे किया, फिर ऐसा किया, अब तीसरा जो करेंगे वो ऐसे, अगेन एल्बो को सीधा रखना है, यहाँ पे धीरे से आपको ऐसे दबाना है। अब ये जो तीसरा स्ट्रेच है इसमें थोड़ा केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग क्या करते हैं, जोर से दबाने जाते ना तो यहाँ पे पेन हो सकता है, इसीलिए ये पेन ना हो इसलिए आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रख के हल्के हाथ से दबाना है। हल्का भी आप इसको अंदर दबाते हो ना नीचे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो इसमें थोड़ा केयर करिए, धीरे से करिए, जितना जल्दी आपको ठीक होना है उतना आपको ये नॉर्मल अच्छा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसे दबा के रखना है 2-3 सेकेंड के लिए, रिलैक्स, फिर दबाना है, रिलैक्स, फिर दबाना है, रिलैक्स, ऐसे 10 से 12 काउंट फॉलो करने। तो ये हमने 3 स्ट्रेच देखे, जो स्ट्रेच आपको टेनिस एल्बो हो गोल्फर एल्बो हो, ये पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ट्रीटमेंट का जो तीसरा पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट आया आइसिंग वाला 3 दिन के लिए, दूसरा पार्ट आया स्ट्रेचिंग वाला 3 दिन के बाद अगले 2 या 3 दिन के लिए। सो 3 दिन आइसिंग, 3 दिन ये बस स्ट्रेचेस करने। तो 6 दिन जैसे होते तो आपको आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऐड करने होते। अब उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, वो करने के लिए आपको एक ऐसे थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जो लाइट थेराबैंड आपको मिलता है ये बहुत स्ट्रेचेबल है, इजीली स्ट्रेच हो जाता है और पास में आ जाता है। तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जिन लोगों के नहीं मिल रहा है, इसका परचेस करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके पर क्लिक करके ये बैंड परचेस कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस बैंड को ऐसे पैर के नीचे आप ऐसे लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद या फिर आप इसको थोड़ा उल्टा इसको ऐसे ऐसे लगा, ताकि जो लूप होता है ना ये लूप थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ने के लिए हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है, टॉवेल का रोल लेना है, ये रोल यहाँ पे रखना था पे, क्योंकि आपके हाथ का हाइट जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी यहाँ पे रखना है, ठीक है, मैं साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। हमने क्या किया, इस बैंड को पैर के नीचे पकड़ा, फिर टॉवेल को यहाँ पे रखा। अब हाथ को सबसे पहले हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, उल्टा, ताकि आपका जो पाम के ऊपर वाला भाग होता है ना ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इस बैंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब पकड़ने के बाद आपके बॉडी को सीधा रखना है, हाथ को अच्छे से टॉवल के ऊपर रख दीजिए ताकि इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, हाथ को थोड़ा बाहर निकाल के, अब ये जो रिस्ट होता है हाथ सीधा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब ये रिस्ट को इस बैंड को पकड़ के क्या करना है, बस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे 15 से 20 काउंट करने है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं आपके रिस्ट और एल्बो ज्वाइंट का। तो ये फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ये आपको 6 दिन के बाद शुरू करनी है, 3 दिन आइसिंग, 3 दिन स्ट्रेचेस और तीसरे 6 दिन के बाद ये स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देना, ये और ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमें करना है। ये क्या करेगा, आपके फोरआर्म के जितने भी मसल्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपकी इंजरी को पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फिर से ना आए इसलिए आपके मसल का स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक्सरसाइजेस आपको फ्यूचर में इस पेन से बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। बस ऐसे ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऐसे ऊपर उठाना है, नीचे। तो 15 से 20 काउंट करने, 2 से 3 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। अब इसको क्या करना है, हाथ को बस सिंपल उल्टा कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ऐसे किया, सीधा किया ऐसे, अब उसको ऐसे उल्टा कर देना है, अब यहाँ पे अगेन रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन रिस्ट जॉइंट को ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है, ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है। तो पहले हमने जो फोर्स लगाया था वो इस डायरेक्शन में लगाया था, फ्लेक्शन में।
अब हम जो फोर्स लगा रहे हो एक्सटेंशन में लगा रहे हैं, अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करेंगे तो अभी आप एक्सटेंशन में फोर्स लगा रहे हैं, डाउन ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये हो, इसके भी अगेन आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन ऐसे इसके फॉलो करने। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो आपके मसल को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा और आपका पेन कम करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आपको तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है, अब इस बैंड को ऐसे थोड़ा लूज छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे पकड़ने हाथ में, ऐसे पकड़ने, अगेन हाथ का पोजिशन सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पकड़ने के बाद आपको इस हाथ को रिस्ट को ऊपर एंड नीचे लेके जाने, ऊपर एंड नीचे, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपके रिस्ट ज्वाइंट को मजबूती देगा, एल्बो ज्वाइंट को मजबूती देगा और आपका जो भी अगर रिस्ट का भी पेन रहेगा तो उसको कम करेगा, एल्बो का जो टेनिस एल्बो गोल्फर्स एल्बो है उसको भी कम करेगा। तो ये है हमारा थर्ड एक्सरसाइज। आई होप आपको साइड से अच्छे से दिख रहा हो, हाथ को ऐसे रख के बस ऊपर नीचे 15 से 20 काउंट और 3 से 4 रिपीटेशन इसके भी। तो ये हो गया हमारा 3 एक्सरसाइजेज जो क्या करेंगे, हमारे हाथ का मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो गाइस एक सजेशन में देना चाहूँगा, काफ़ी बार क्या होता है पेन हमें एक ही हाथ पे होता है, दोनों हाथ पे तो कभी होता नहीं, काफ़ी कम केसेस होते हैं जिसमें दोनों हाथों में एक पेन हो सकता है। तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, अगर आपके साथ में पेन है तो आप ऐसा नहीं कि बस इसी हाथ को ठीक करने के लिए करना है, ये एक्सरसाइजेस अगर आपके साथ में पेन नहीं भी है तो भी इसके लिए करने, ताकि इन फ्यूचर इसको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए इसको पहले से हमें तैयार करके रखना है कि भाई तू भी स्ट्रेंथ तेरी बढ़ा ताकि तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये एक्सरसाइजेज जो मैं बता रहा हूँ दोनों हाथों के लिए करने, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, क्लिक करेंगे इसको परचेस करेंगे आप। अब आता है हमारा लास्ट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन हम इसमें क्या कर रहे हैं, फोर आर्म का जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। एक रिंग है, इसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ये एक एक्सरसाइजेस रिंग है। अगर आपको ये रिंग नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, स्माइली बॉल आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है, थोड़ा हार्ड वाला बॉल ले लो, रिंग के जगह पे आप ये बॉल ऐसे हाथ में रख के आपको क्या करना है, रिंग का तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगेन टॉवल को यहाँ पे रखना है, इस रिंग को ऐसे पकड़ना है हाथ पे, ठीक है। अब अगेन हाथ को ऐसे रखना है, अब इस रिंग को आप ऐसे दबाना है छोड़ना है, देखिए दबाना है छोड़ना है, ऐसे दिखाओ तो दबाना है छोड़ना है। तो जैसे आप इसको दबाते हो, जैसे आप इसका ग्रिपिंग करते हो, जब भी हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं ग्रिप करते तो ये वाले सारे मसल्स यूज होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ग्रिपिंग का एक्सरसाइज हमें ये सारा स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अगर आप देखोगे जैसे मैं दबाता हूँ ना तो ये मसल ऐसे ऊपर निकल के आते, तो इनमें एक अच्छे से स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नहीं मिल रहा है तो कोई भी स्माइली बॉल, कोई भी टेनिस बॉल जो थोड़ा सॉफ्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइजेस के आपको क्या करने, दबाना है छोड़ना है, 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन के फॉलो करने। तो इस हाथ के लिए अगर मैं दिखाऊं, ये कैसे दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इसको आप ऑफिस में जब वो कभी भी लेके जा सकते हो, काम करते करते बाद आप ये कर भी सकते हो, पूरा दिन 3-4 रिपीटेशन आप इसके कर सकते हो। तो ये था एक्सरसाइज जो ऐसे प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा। तो ये था हमारा फोर्थ एक्सरसाइज जो हमें हमारे फोर आर्म का स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रीटमेंट का पार्ट बताया आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इंजरी होने के बाद 3 दिन के लिए आइसिंग, उसके 3 दिन बाद आपको बस ये स्ट्रेचेस करने और जैसे 6 दिन होते हैं उसके बाद आपको ये सारे स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइजेस ऐड करने। स्ट्रेंथनिंग और वो स्ट्रेचिंग दोनों आपको एक साथ कंटिन्यू रखने जब तक आपके पेन ठीक नहीं हो जाता। उसके साथ आपको प्रिकॉशंस लेने कि आपके रिस्ट जॉइंट का जो मोमेंट हो कम से कम हो, एल्बो का मोमेंट कम से कम हो, आइसिंग तो करते रहिए 3-4 दिन के लिए। ये सारा ट्रीटमेंट अगर आप फॉलो करेंगे तो घर बैठे बैठे आप आपके एल्बो पेन को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने की। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।